माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें अभी जो है रेडी हो चुका है पतीला। और ये एक्स्ट्रा करवा के आए हैं, ये है। क्या कहा फिर, हमें तो देखने में पता नहीं चलता ये क्या बेहतरीन है। अभी लेकर आए हैं, हाँ वो मुझे बता रहा था लेग पीस ले आए हैं। गरम चीज ये लेकर आया है, ये हो चुके हैं, ये देखें ब्राउन हो चुके हैं, ये देखें अभी जो है दूसरा परी तो उठी हुई है। हाँ ये देखो, ये पप्पा खाओगी। अच्छा आ गया आ गया, चलें जी आ जाएं आ जाएं। वेलकम वेलकम। माशाल्लाह ये और पतीला चेंज कर दिया है, क्योंकि वो देखें ये पतीला था, ये भर गया था बाहर। अमीना ने किसको उठाया हुआ है? अमीना कौन है ये? शबाज। शबाज इसका क्या नाम है? अमर शहद। हाँ ये किसका बेटा है? मरियम का। मरियम का बेटा, हाँ जी अमीना सही कह रही है, मरियम का बेटा है। अच्छा ये कौन है इधर देखो अमीना, ये कौन है? दादी। दादी नहीं है, ये हमारी मासी है, मासी। ये मासी है। रुला ना देना अमीना इसको। कक्कू पावंडिया दे कक्कू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। माशाल्लाह आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज जो है स्पेशल दावत व्लॉग होने वाला है, मेहमानों की कर रहे हैं आज दावत। मेहमान हैं जैसा कि आप जानते हैं, मेरी खाला भी है मासी, और कौसर इरफान भी हैं, और बाकी मरियम जाहिद भी हैं, तो सबकी दावत आज बनाने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है जबरदस्त, व्लॉग को अभी से लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे बड़े सब ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज जो है जैसे अब्बास खान ने बताया है, आज जो है बहुत बड़ी दावत होने वाली है, तो अभी जा रहा है सौदे सवादे लेने। कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, मैं समझा किसको कह रही है जा रहा है। आप नहीं जाएंगे? मैं ही जाऊंगा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि बताओ जो चीजें लेनी है मैं ले आऊँ, तो फिर टाइम से फिर व्लॉग भी शुरू करना है ना। हाँ, फिर जो है ना एक मसला बन गया है, वो पहले हल करें, बाद में जो है सौदे लेने जाए, क्योंकि मरियम जहद कह रहे हैं हमने घर जाना है, आपने व्लॉग में बता दिया है मरियम जहद है तो फिलहाल है तो वो बे है। अच्छा क्यों? हाँ हमने आज तो घर जाना है, घर जाना है, लाजमी जाना है। दावत कौन खाएगा? आप। क्यों जाहिद? हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, दाढ़ी सेट कर रहा था। मैं पूछ रहा हूँ दावत कब सेट करनी है? मैं तो ड्राइवर, मुझे क्या पता, वो कहेंगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूंगा, वो कहेंगे तो मैं खड़ा कर दूंगा बाइक। अच्छा ये तो ड्राइवर है आपका? ड्राइवर भी है और साथ साथ शौहर भी है ना मेरा। हाँ शौहर जो होता है वो ड्राइवर ही समझो उसको। नहीं नहीं, जहाँ हम सबके शौहर ड्राइवर नहीं होते। आपका जो नहीं चला सकता, किस्मत वाली है जिसके शौहर ड्राइवर है। मेरा शौहर ड्राइवर नहीं है, मैं पता है कितना एक परेशान हूँ। नहीं फिर भी आपको ले के आ जाता, बस एक जगह पे लेके आ जाता है तो हमने जाना भी वही है। और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम अपनी बेटियों के घर जाते हैं, वहाँ आपको ले जाता हूँ, और क्या टेंशन है? और रिश्तेदार नहीं है हमारे? और रिश्तेदार हैं तो वो दूर दूर हैं, इतनी दूर तो वैसे भी आदमी बाइक पर नहीं जा सकता है ना। आपकी मर्जी है, इतना ज्यादा किराया लग जाता है अपने, आप ड्राइवर होते तो हमारा जो है ना खर्चा कुछ किराया खर्चा कम हो जाए। हाँ मुझे मसला नहीं है, तो मटर करो मैं चला के चला जाऊंगा, आगे जो है जिम्मेदारी फिर खुद उठा लेना, कहीं पे गिरे जो भी हो जाए, फिर गिरने लगे ना तो आपने जो है ना टांगे नीचे कर लेना, फिर जो है ना टेंशन नहीं लेनी है, फिर बाद में नहीं कहना आप लेकर गए थे गिरा दिया टांग टूट गई ये हो गया वो हो गया। नहीं आप पहले ऐसे कह रहा है तो मैं कैसे जा सकती हूँ, टांग टूट जाएगी, मैं हम आपको डरा रहा है, टांगे नहीं टूटवाऊंगी, क्योंकि हमारे जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घर भी संभालना है, तो
तो फिर हर किसी को जो है ना अपनी ड्राइवरी का होता है सिस्टम। मैं जानता हूँ मैं कैसी ड्राइवरी करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, ये लोकल रोड होता है आराम आराम से। आपको पता है जब मिसबा बेटी के घर जाते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, जो ड्राइवर हैं वो पहुँचते हैं आधे घंटे में और हम पहुँचते हैं डेढ़ घंटे में। हाँ कैसे खिलती हो किलो अच्छा ये बताने आई थी मैं खिलती हूँ। तुम खिलते हो, तुम खिलते हो, ये उड़ता है, खिलते हो, ये खिलता भी है और साथ साथ उड़ता भी है। ऐसे देख पर ऐसे किए हुए हैं जैसे जहाज आ रहा है। हाँ कहता है हाँ जहाज आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। तो चलें जी अभी जो है सामान लेकर आता हूँ, दावत बनानी है मासी की। मासी ने भी अपना चिंटू उठाया हुआ है, ये सो रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। देख हेलो कैसे हो, ठीक हो, ये नींद कर रहा था। हाँ जी। अभी उठ गया। हाँ जी। अच्छा तुमने जगा दिया इसको। उठ गया तो उठाया है। इंडिया अम्मी आके मैं की काम में कार गिना। अच्छा तो खेद लो। सही सही सही। हाँ फरहान चलें सामान ले आए। कौन सा? वो दावत का सामान लेना है। दावत का? किसकी दावत? मेहमानों की दावत। कौन से मेहमान? ये तुम्हारी ये फरहान की दादी बनती हैं आप? हाँ जी। हाँ फरहान की दादी बनती है, तुम्हारी दादी की दावत कर रहे हैं। चलें चलें। वो तो फिर क्या फाइनल बताएं आप लोग, फाइनल बताएं आप लोग। फाइनल हम नहीं बता सकते। कौन बताएगा? भाभी जान बताएगी। तो फिर फाइनल बताएं। मैं उस हिसाब से सामान मंगवाना है, मैंने सामान ले आना है उस हिसाब से। हमारा मौजी साहब इधर अंदर घुस गया है, छुपा हुआ है, बाहर निकले फिर देखते हैं। मौजी साहब यही से बता दो क्या मसला है, क्या करना है, मुझे क्या बता, आप लोग सलाह मशवरा कर लें फिर मुझे जल्दी जल्दी बताएं। फिर हमने जाना है, आप ऊपर से 5 बजने वाले हैं, टाइम लेट हो रही है। टाइम जो है ना बहुत हमारे पास कम है, आपके पास ज्यादा है? नहीं ज्यादा कहाँ है, हमने फिर अगर ना यहाँ का प्रोग्राम बना जाना पड़ेगा घर तो फिर ठंड भी ऊपर से हो रही है। ठंड भी हो रही है। बात हम कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो टाइम से जाए, नहीं जाना तो फिर चुप करके बैठ जाए। वही तो हम कह रहे हैं। मगरब को हमारा कोई मसला नहीं है, इतने दिन हमने गुजार लिए हैं तो एक दिन की कोई बात भी नहीं होती। तो भाभी जान कहती है नहीं मैंने नहीं रहना। हाँ वही है ना फाइनल करे, क्योंकि शबाज भाई के कपड़े धोने वाले पड़े हैं ना इतने दिन हो गए, तो इसलिए वो कहते हैं मुझे जाना है। फिर साफ जाहिर है वो कहाँ जाएगी, हम जाएंगे तो वो जाएगी ना। हमारा तो इरादा यही था भाई, रुकेंगे दावत वगैरह खा के फिर जाएंगे सब लोग। आप उनकी बना लें जो और मेहमान है, हमारी ना बनाए। अच्छा चले आपकी मर्जी है, फिर कभी में होगा। चलें जी फिर बाकी जो है सामान वो पर्ची पे लिख के ले आए। मैं नहीं लिखने वाली, आपको तो याद करके चले जाए। याद नहीं करता है, भूल जाता है, फिर वो है ना सामान। फिर ले आते हैं फरहान को, मैं ले जाता हूँ सामान ले आते हैं। हाँ एक तो माचिस भी लेनी है, एक डब्बा माचिसों का भी ले आया। नहीं मिसबा बेटी, मिसबा बेटी नहीं रुकती ना। हाँ वो नहीं रुकती मिसबा बेटी, को कहो दावत खा के जाए, क्या है जल्दी है उसको। मैंने किया है, कहती है जो मेरी दावत बनानी है ना मुझे वो कच्ची दे कच्ची मैं घर जाके बना लूं। ऐसे कैसे होता है, दावत बना के खिलाएंगे ऐसे थोड़ा कच्ची दे दें। अच्छा चले फिर भी मिसबा बेटी से पूछ लो, अगर फाइनल वो कहती है तो फिर हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि शबाज बेटा भी कल शाम को इधर आया हुआ था, वो कह रहा था कि चलें घर। हाँ, बाकी आपको पता है हम उधर सीधरा बेटी के घर थे अलीपुर में, तो उधर भी गुस्सा हुआ पड़ा था भी आज आ जाए, फिर कल से आया है इधर रह रही है, फिर रात इधर आ गया, कह रहा था सुबह जो है ना आप उसका काम ऐसा है ना, फिर जरूरी कपड़े भी धोने पड़ते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़ता है, तो कहता है अपना जितना घर का होता है और नहीं हो सकता। हाँ ये बात भी है। चलें अम्मी मसरूफ होती है फिर इसलिए। अभी आ चुका हूँ जी अंदर कमरे में अबू अम्मी जान के पास। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम है, ठीक है। धूप निकल आज कुछ, धूप थोड़ी सी निकली थी आज। हाँ जी, हाँ इधर देखें, हीटर भी चल रहा है, कुछ गर्माइश जो है लग रही है। अम्मी जान भी रजाई में है? हाँ, आज कपड़े दो तंबे हाथ मारी पड़ गया, वाला हूं पाला लग गया वाला। ये कौन है, अलिशबा सो रही है? ये अलिशबा सोती भी है। अलिशबा को भी नींद आ, कहाँ गए भाई और भाभी? ओ नहीं गए, चोट लगी ना, वाला हूं वो दिखावन गए दवाई लेने। हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो भाई और भाभी को जैसा कि बताया था पिछली वीडियो में, वो चोट लग गई थी भाभी को, तो वो अभी जो है दवाई लेने गए हैं। शायद एक्सरे वगैरह करवाएंगे, चेक करवाएंगे, फिर उसकी दवाई लेंगे। तो फिर अभी तक आए, अभी अभी गए हैं? चले जी, फिर वो आते हैं तो फिर जो है मालूमात करते हैं, पूछते हैं तबीयत का। और फिर अभी इधर अमीना क्या कर रही है, सो रही हो? आज सर्दी आज सर्दी है तो वो रजाई पहनो। खाली तेल आ, रोटी दे पक्से, खाली चाय। अच्छा, रोटी रोटी तो बाद। हाँ, आज वो हम मेहमानों की दावत बना रहे हैं, तो सब खाना रेडी होगा तो फिर खाएंगे। अबू जाए चावल पकाए से खा देने से हाथ पीछे ब्याह का जो अंदर सारा निकलता खुद वाला बनने। अबे हुक्का वो की पिलवी दे, वो तो वो आप ले में कुनी वाला वो हुक्का गिना हूं, वो पिलवाए से ते दवाई गिना है, तो वो पानी साथ वो पिलाई से तो पीछे जवान को वो चीज वाले खुद साखदा पिया होना ते मैं चावल निकलदा रोटी पक्या है लाचन वे या छेड़ा कंदूरी है रोटी है सालन भी रात लाते सालन भी है अब रोटी और सालन खा लेंगे। हां जी, अभी पहुंच चुका हूं अंदर। भाई और भाभी गए थे दवाई लेने के लिए, जैसा कि आपको बताया था भाभी गिर गई थी और टांग पे चोट लग गई थी, तो फिर वो गए थे एक्सरे वगैरह करवाने के लिए, तो पता चले अभी क्या मसला है। वो अभी आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी सुनाए। हाँ जी, वो ये एक्सरे है, एक्सरे करवाया? हाँ, ये एक्सरे करवा के आए हैं। ये क्या कहा फिर, हमें तो देखने में पता नहीं चलता ये क्या होता है। ये जोड़ है ना, ये देखो ऐसे ये टेढ़ा हो गया है, मतलब कि ये ऐसे आप देखो ये ना हिल गया है जोड़ इसका। अच्छा, जोड़ हिल गया है तो बोला कि टूटा नहीं है, हिल गया है। फिर वो जो हड्डी जोड़ होते हैं ना, उनके पास लेकर जाना है, वो फिर इसको जोड़ेगा, वो ही इसको सेट करेगा। मतलब जो जोड़ जैसे बच्चों के निकल जाते हैं, अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, ये जैसे जोड़ ये हिल गया है इसका, वो निकला नहीं है, थोड़ा सा हिल गया। हाँ, हिल गया है। ये फिर इसको ना दोबारा वो फिर करवाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, सुबह फिर डॉक्टर के पास वही हड्डी जोड़ के पास ले जाऊंगा ना, वो फिर इसको जोड़ देगा। किसी अच्छे हड्डी जोड़ के बारे में मालूमात करनी है जो अच्छा हो। पूछा है मैंने, कानपुर में है एक, उधर से चला जाऊंगा उसके पास, वो फिर अगर प्लास्टर करनी पड़ी तो प्लास्टर करेगा, अगर ऐसे बांधना पड़ा जोड़ को तो बांध देगा। आप सुनाए भाभी, दर्द वगैरह तो नहीं हो रही? दर्द है लेकिन पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई थी, अब बहर गई हूँ तो ठंड की वजह से। हाँ, ठंड की वजह से। वो पट्टियाँ जो लगाई थी वो मैंने खोल दी थी, क्योंकि उधर जो है ना एक्सरे किया है, तो फिर वो उतारनी पड़ी हमें, तो फिर ठंड लगी, तो अभी जो है ना अभी दर्द हो रहा है कुछ। फिर ये मालिश वगैरह कर लें, मालिश भी और दवाइयाँ भी लेकर आए हैं, ये टेबलेट दर्द की, ये भी दर्द की टेबलेट वगैरह भी खिलाते हैं, सुबह फिर उनको चेक करा देंगे। हाँ, वो कारीगर होते हैं वो। हाँ, वो तो देखते ही ये एक्सरे तो करा लिया, ये तो हमें समझ में आ गया, बाकी जब उसके पास जाएंगे ना, वो तो देखते ही बता देगा और भी क्या मसला है, उसको समझ लग जाती है उनको, उसी वक्त वो कारीगर देंगे ना, यही है, वो अपने हिसाब से उसको जोड़ेंगे ना, इधर देख लेंगे भी कैसे उसका मसला है, उसी हिसाब से जोड़ लेंगे। वो अपनी मासी का, वो जो आपका भतीजा सादिक का जो बेटा है, क्या बना आपका पोता? हाँ, पोता, वो उसकी भी एक बाजू टूट गया था ना, एजा टूट गई। हाँ, एक नली, वो भी हड्डी जोड़ के पास गए थे ना, इतना पट्टी करें रह गए, वो पट्टी टूटी एथ ते पट्टी एथ, वाल नहीं पता है, वाल कारीगर कर आ गए, वाल उ पट्टिया डू की त्या
अल्लाह का शुक्र है ठीक है ठीक ठाक। वो जो कारीगर होते हैं ना, वो देखते ही पहचान लेते हैं, वो हाथ लगाते हैं उनको पता चल जाता है, हाथ लगाने के बाद पता चल जाता है ये टूटी हुई है हली हुई है या क्या। मेरा ढेर क्या ना बड़ा, वो एथ टूटी हुई थी वो एथ बांधने, वो सही कारीगर के पास नहीं ना पहुंच सके, इसलिए अनाड़ी ऐसे वो कारीगर बैठी वहाँ के हड्डी एथ टूटी हुई है तो बोल अफसरा भी करा लिया वो बीला पाती फिर बारू तो दू पट्टियाँ कराया अलग शुक्र है जो कारीगर होते हैं वो पहचान लेते हैं। चले अल्लाह पर खैर करेगा, सुबह फिर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके ना मस्जिद दिखा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी आप लोग सुनाए ठीक बैठे हैं? हाँ जी। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं। और इरफान आप सुनाओ? कमरा गर्म है ना, कमरा गर्म है, ऐसे भी अभी वो चलाने वाले हैं ना, हाँ बहुत गर्म हो जाएगा, मजीद गर्म हो जाएगा, यहाँ पे ठंडे लगती है, अगर पंद्रह दरवाजा खोल देना तो बहुत हवा आती है बस। आज कुछ थोड़ा सा सूरज निकला था, थोड़ी बचत है सर्दी की, कल जितनी थी ना उससे आज थोड़ी कम है, हवा ना चले ना आज मेरे ख्याल में, हवा भी हवा नहीं है तो बचत हो जाती है, धुंध वगैरह पड़ जाए फिर भी बचत हो जाती है, ऐसा ही है। तो ऐसे खाले जो ठंड है ना, सुखी ठंड जिसे बोलते हैं हम, पूरी ठंड, क्योंकि बारिशें नहीं ना हुई तो ये खुश्क सर्दी पड़ रही है। मैम इना हाँ जी, सुखी सर्दी है ना, हाँ जी दुआ करो भाभी लाती ठीक हो जाए, हाँ वो भाभी के लिए दुआ करो, हाँ, चलो अभी दुआ करो, दुआ दुआ करो अभी, चलो हाँ जी ठीक हो जाए ना, हाँ दुआ कर दी है, हाँ जी। हाँ सुबह जाएंगे वो जो हड्डी जोड़ने वाले होते हैं उनके पास, फिर वो ठीक कर देंगे, हाँ जी ठीक है, हाँ केक कर दे चले जी अभी चलते हैं ऊपर, नीचे आया था मैं, वो गए थे दवाई लेने जैसा कि फिर बताया, मैं सोचा बहन भाइयों से शेयर कर दें हाल चाल पूछ लें, तो ये सूरत हाल है, आप सब ने दुआ करनी है भाभी के लिए कि वो ठीक हो जाए, और अभी जो है किचन में चलते हैं देखते हैं अपनी जो दावत का प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँचा। हाँ जी सुनाए क्या बना, गैस नहीं आया अभी क्या? नहीं अभी गैस नहीं आया, मैं सब कुछ जो है सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया है, अभी इंतजार में हूँ, जैसे ही गैस आती है तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ जी ये होता है जी, सिस्टम हर चीज़ रेडी हो चुकी है, ओके हो चुकी है, ये देखें आज मटर पुलाव बनाना है ना, हाँ जी हाँ जी मटर पुलाव बन रहा है, हर चीज़ रेडी हो चुकी है, बस गैस का इंतज़ार है, जैसे ही गैस आएगा तो फिर इंशाल्लाह कुकिंग शुरू करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी ये देखें बड़ा सा पतीला जो है ये ऊपर चढ़ा दिया है, तो अभी बाकी जो सेटअप रेडी है, पिज़्ज़ा जी गर्म हो चुका है, ये शोर तो कर रहा है, ये चेक करेगा फिर हो जाएगा, अच्छा चेक करेगा तो फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, गरम हो चुका है अभी मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, इतना ज्यादा प्योर तो नहीं किया अभी कर रहा है, ब्राउन हो चुके हैं ये देखें, ब्राउन हो चुके हैं ये देखें, अभी जो है दूसरे मसाले ऐड करेंगे, ये सारी धनिया हरी मिर्च टमाटर प्याज सब कुछ ऐड हो चुका है, बस और मसाले डालने हैं क्या फिलहाल? बस बस मसाले यही हैं, अभी नमक मिर्चा नहीं डालनी, नमक मिर्च डाल लो क्या थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद मसाले जो है रेडी हो चुके हैं, अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ और मिर्चा भी ऐड करूँगी और क्या है नमक भी, हल्दी मैंने डाल दी है माशाल्लाह, अभी आगे लाल मिर्च
लाल मिर्च भी ऐड हो सकती है। मसाले मिर्च सब जो है रेडी हो गई हैं, तो अभी मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मटर भी ऐड हो चुके हैं, अभी एक चीज नहीं ऐड की तो अभी और करते हैं। वो क्या रह गया है? नमक। नमक भूल गया। चलें जी अभी नमक भी ऐड कर दें। माशाल्लाह नमक भी ऐड हो चुका है। चावल गीले करके रख दिए थे? नहीं, सूखे पड़े हैं। करने हैं। माशाल्लाह हमारे मसाले जो हैं भुनाई हो चुके हैं, अभी पानी ऐड करते हैं। कितने कटोरे? कटोरे चार कटोरे हैं चावलों के। दूध ले आए हो? हाँ जी। अच्छा, उधर कहीं बाल्टी में रख दो। इसमें रख देते, ये पानी ले बाल्टी में। पानी कम हो गया? हाँ जी। चलन जी इसमें जितना पानी डालना है वो डाल लेते हैं, फिर जब चावल ऐड करेंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। ओके। माशाल्लाह जी ये देखते हैं चावलों की हो रही है धुलाई। धुलाई हो जाती है तो फिर होने के बाद फौरन ऐड कर दोगी? पानी उबलेगा तो ऐड करूंगी। अच्छा, जब तक पानी उबलता है तो इसकी धुलाई कर लूंगी। सही हो गया। अच्छे तरीके से धो लेना, इसमें जो कचरा वगैरह ज्यादा होगा। नहीं है कचरा? नहीं है? चलो नहीं है तो अच्छी बात है। अभी चावल ऐड हो रहे हैं, ये देखें ऐसे राम राम से, राम राम से। अच्छा मैं ये एक थाल समझ रहा था, ये एक थाल नहीं है, दो थाल हैं। एक और उधर भी पड़ा हुआ है, वो भी देखते हैं, दिखाता हूँ। माशाल्लाह तो लग रहा है ये आने वाले नहीं है पतीले में। नहीं, पतीले में 10 किलो चावल बन सकते हैं। ये देखें अभी फुल हो गया है पानी। 5 किलो होंगे। आ जाएगा, आ जाएगा। ये बड़ा थाल था, वो इससे छोटा है। चावल बराबर थे? चावल दोनों में बराबर थे। हाँ, दो कटोरे इसमें थे, दो उसमें। 4 कटोरे हैं, आ जाएंगे, टेंशन ना लो। जब चम्मच चलाओगी ना तो फिर बैठ जाएंगे ये। ये देखें वो है दूसरा थाल, वो भी आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत बड़ी कुकिंग, पहली बार बन रही है दावत। थोड़े थोड़े साइड पे भी गिराओ, सेंटर में ना डालते जाओ, बूमड़ा बन जाएगा। नहीं बनता, मैं तो आदल में रख रही हूँ कि डोल ना जाए पानी। घू वगैरह डोल जाए तो फायदा भी नहीं। चले अल्लाह खैर करेगा, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे सर। अभी तो आ जाएंगे, फिर उन्होंने ज्यादा होना है। चलें जी चावल ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कितना फुल हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये और पतीला चेंज कर दिया है, क्योंकि वो देखें ये पतीला था, ये भर गया था, बाहर हर चीज जो है निकल रही थी, तो इसलिए अब ये बड़ा पतीला चेंज किया है। अब ये है हमारे चावल हो चुके हैं रेडी बिल्कुल। अब इसको नीचे उतारते हैं और इसको लगाते हैं दम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम 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 जी, आया नू भली करी आया। क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे जी बैठे,
खाने का इंतजाम माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ये बड़ा सा पतीला जो है हमने रेडी कर दिया है। आप उधर जाके बैठो, जहाँ जगह मिले आप बैठ जाना। जहाँ जगह मिले मतलब सारी जगह ही जगह है। इसके काम चेक करें, इधर जाकर बैठे। सलेब बहाना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ इधर बैठना ना। नहीं हमें किधर दिल करे हो जाओ। हाँ क्या जरूरत है? सामान नहीं, सामान उठा लिया जो जरूरत था। अच्छा। बैठ सकते हैं। अच्छा, चलें जी। ये देखें, ये साफ बिछा दी है और मेहमान भी आ चुके हैं। मासी क्यों परेशान थी बैठी? परेशानी। अच्छा, सर्दी लगी बैठी। अच्छा, मैं समझे परेशान थी बैठी। बैठते हैं ना तो कुछ सर्दी का पता भी नहीं चलता, जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा सर्दी। आज वैसे कम है, वो पहले बताया था, आज कम है। कल की निस्बत आज कम है वैसे। तो चले जी, डालें जी प्लेटों में चिकन पुलाव। ओ सॉरी, मटन नहीं, मटर पुलाव। बस ये आखिरी है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। मटर पुलाव है ना, इसका नाम होता है मटर पुलाव। मटन नहीं, मटर। अच्छा, मटर मटर पुलाव। माशाल्लाह। तो अम्मी अबू जो है वो ऊपर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सर्दी ज्यादा है। वो कहते हैं हम जो है अंदर कमरे में भड़के हुए हैं, मतलब के हीट में हैं। तो अबू वैसे भी चावल नहीं खाते हैं क्योंकि उन्होंने खा ली है रोटी। पहले भी उन्होंने चावल खाए थे तो खांसी हो गई थी, तो अब वो चावल जो है नहीं खाते हैं। अबू ने नहीं खाने? नहीं, अबू ने चावल नहीं खाने, उन्होंने खाना खा लिया। रोटी पड़ी थी। हाँ, मैंने रोटी दे दी है। रोटी उन्होंने खा ली है तो चावल वो नहीं खाएंगे। अबू जान, अम्मी जान को जो है रोटी नहीं है तो इधर भी रखी है रोटी, सालन भी रखी। कह रहा था मेरे नहीं खाने चावल, मुझे रोटी दो, फिर वो रोटी दिया। रोटी दे दी है ना, बना के भी दे है ना, ताजे बना के दे है ना, खा ली है। रोटी खा ली है तो अभी जो है फिर अम्मी भी नहीं खाने। अम्मी खाएगी, वो कहती है सर्दी मुझे लगी हुई है रजाई में, वो नीचे भिजवा देते हैं अम्मी के। हाँ, उसने सारा दिन कपड़े धोए हैं ना। हाँ, उसको सर्दी लगी हुई है तो अम्मी जान के नीचे भिजवा दो। बाकी जो है जवेरिया, तुम्हारा बाबा वो कहता है चले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। चलें जी, आ जाए आ जाए। वेलकम वेलकम, आ जाए। चावल पक गए हैं? रेडी है बिल्कुल, दस्तरखान तैयार है। मैं बस अपना ये पुर्जा भी लेकर आया हूँ। ये पुर्जा क्या है? रेता लेकर आया हूँ। अच्छा, रहता अपने लिए बस थोड़ा सा डाला हुआ है। वो बेगम के लिए लेग पीस लेकर आया तो रहता साथ दिया, तो उसने कहा मैं नहीं खाती। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं चावलों के ऊपर डालूं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा स्पेशली चावलों के लिए लेकर आया, वो भी अपने लिए। नहीं नहीं, बस यहाँ पर जी माशाल्लाह सब आ चुके हैं। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें अभी जो है रेडी हो चुका है पतीला और धुआं भी निकल रहा है। मुझे लग रहा है ये चावल कच्चे हैं। नहीं, सही है, ऐसे लग रहा है आपको? हाँ, दूसरे पतीले में भी बनते हैं। अच्छा, क्या मेरी बात सुनो, ये जो चावल है ना ये पहली बार बनाए हैं हम। जो चावल बनाते रहते हैं ना वो और किस्म के होते हैं, दूसरे होते हैं। आज ये जो ये है पहली बार बनाया है ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे कच्चे कच्चे हों। आपको क्या चीज? मैं इन्हें दिखाल खा लूंगा, आप बाकियों को दो ना, मैं इनके साथ खाऊंगा फिर मांग लेंगे सबको जो है। मैं थोड़े से खाऊंगा ना। चलें खाएं, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें। खाएं, खाएं। भी है वो क्या चीज? छोटियां छोटियां चुनिया मुनिया। शहजादी और परी, वो शहजादी सो गई है और अलिशबाली परी भी सो रही है। अच्छा, सो गई है दोनों। बोल दो के सो ये तो भैया कहे, ये दो बकरियां है, एक काली एक चिट्टी। बीचा चिट्टी क्या खाती है? कहती है घास खाती है। तो बोला काली क्या खाती है? बोलते वो भी घास खाती है। वो आगे कर देना, सब बच्चे मिलके खाएंगे। हाँ, अमीना कैसे हैं? मजेदार के हैं? हाँ जी, आप बताएं टेस्ट कैसे लगे? बेहतरीन है, टेस्टी है ना। मटर पुलाव बनता भी ऐसे ही है, टेस्टी। अच्छा, नीचे कौन कौन खाएगा?
खाने वाला है। कौन है? अम्मी जान को भिजवा दो, सिर्फ कहा तो है भाभी के लिए भी, वो खाएगी कि नहीं? नहीं नहीं, उसको मैंने वो दे दिया, पीस दे दिया, वो खा रही है, चावल नहीं दे रहे। अच्छा, तो सिर्फ फिर अम्मी जान के लिए देते हैं। सुना है चावल जो होते हैं ये हड्डी कमजोर करते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ, हड्डी की वजह से चावल रोके, डॉक्टरों ने रोके हैं क्या? नहीं, डॉक्टरों ने नहीं रोके, मैंने वैसे मैंने रोके हैं, मैंने कहा तुम वो खा लो, वो लेग पीस लेकर आये हो ना, वो खा रही है। अच्छा, मैंने कहा ये रहने दो, ये क्या पता डॉक्टर रोके भी सही कि यार नहीं खिलाने। वो जैसे हमारी सरायकी में बोलते हैं कि वही बादी, वही जो हो जाती है वो ना हो जाए जोड़ों के अंदर। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ये कर मुझे दे, मैं अम्मी को दे के आता हूँ। हाँ जी, अभी जो है ये अम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ, चावल अम्मी को देते हैं नीचे, फिर जो है ऊपर आएंगे। ग्लास जाने आया था। अच्छा, चलो ऊपर खा रहे हैं सब। आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें जी, वो परी तो उठी हुई है। हाँ, ये देखो ये पप्पा, खाओगी? हाँ माशाल्लाह, खाएं। हाँ जी, तो अभी खाएं आप चावल, और पानी दे दूं? पानी 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 भी देता हूँ। अबू जान आप तो नहीं खाएंगे ना? मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, वो बता रहे थे फिर परहेज है खांसी की वजह से ना। नहीं, परहेज रखनी चाहिए। पप्पा है, बोलो माशाल्लाह। पानी है, अच्छा मैं ले आता हूँ, पानी ले आके देता हूँ। इधर है? अच्छा जी, पानी और गिलास भी देता हूँ। इधर से जो है एक गिलास, ये लें गिलास। पकाऊं? ठीक है। वो तो सो गई है। हाँ, परी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। चलो जी, आप खाएं अम्मी जान, फिर जरूरत हो तो फिर और दे देंगे। हाँ, भाभी नहीं बोलता, भाई कह रहे थे कि भाभी जो है उसके बारे में कि वो नहीं खाएगी। मजीद मैं पूछ लेता हूँ, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, चावल खाने हैं आपने? नहीं, डॉक्टर ने रोके हैं क्या? डॉक्टर ने नहीं रोके, वो आपका भाई ना, वो अभी लेकर आया है। हाँ, वो मुझे बता रहा था लेग पीस ले आया है। हाँ, गरम चीज ये लेकर आया है यखनी, ये तो मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से ना 2-3 घूंट पिए है बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दिल नहीं कर रहा अभी जो है ना, वो दर्द की वजह से ना, तो वो अजीब सा फील होता है, जैसे उल्टी आती नहीं, ऐसे बोझ बन गया है, ना ही उल्टी आती है ना ही मतलब के वो होता है, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना बस खा लिया है। अच्छा अच्छा, मैं समझा पूछ लूँ, अगर मूड हो तो फिर चावल दे दी, या फिर बच्चों को दे देना थोड़े से, थोड़े से टेस्ट कर लूँगी। अच्छा, हाँ बच्चे सब ऊपर हैं, फिर भिजवा देते हैं। बस थोड़े से दे देना, टेस्ट कर लूँगी, और मेरी सिस्टर भी खुश हो जाएगी कि मैंने जो है ना उसने बनाया है, तो मैं भी खाती हूँ, देखती हूँ कैसे पके हैं। सही हो। हाँ जी, चलें जी फिर चलते हैं ऊपर।